ये जी भाई थोड़ी बन रहे, थोड़ी तैयार हो रही। ये मैंने पीछे बंद कर दिए, मैंने कहा ना भी आई थी ना रात। ये देखें जी, ये मैंने मेहंदी लगाई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। मैं आज ही हम अपनी दिखाएंगे डेली की रूटीन, हम क्या काम करते हैं। मैं सबसे पहले जी हमने कमरों की सफाई की, सफाई करके फिर हमने झाड़ू लगाया। आज ही हम बना रहे हैं कढ़ी पकौड़ा, और जी आपको वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। रात को जी हमने कूलर पंखा लगाया था, रात को ना गर्मी बहुत थी इसलिए हमने कूलर पंखा लगाया था। तो हम जी जा रहे हैं दुकान पर, रेहान लेके आया आम। अरे जाकर मैं दुकान पर खाऊंगा, भूख लग जाती है। अच्छा जी, मम्मा कह रही है एक परोठा मिलना, एक के ज़्यादा नहीं मिलना, इतनी महंगाई हो गई है। हम जी दुकान पर जा रहे हैं तो इस भाई की साइकिल ख़राब हो गई है, तो अब हम जा रहे हैं। चाचा आवत भी आ रहा है हमारे पीछे, तो सफाई हो रही है, सामने दुकान खुली हुई है। ये दुकान पर पहुँच चुके हैं तो अभी इधर कोई आया ही नहीं है, गली साड़ी खाली पड़ी हुई है, सिर्फ चाचा सलीम ने दुकान खोली और उस भाई ने। ये दुकान खोली है तो सामान वगैरह बाहर निकाल लिया, पाइप भी लटका दिया और पानी वाला तसला भी बाहर निकाल दिया। तो अब मैं झाड़ू लगाऊंगा, पहले ये उधार साइड पर करूंगा। तो अब जी मैं लगाने लगाऊं झाड़ू। झाड़ू वगैरह जी मैंने लगा दिया तो अब रेहान झंडी लगाने लगा है, नीचे पड़ी हुई थी गिर तो नहीं गई, नहीं गिरी भी नहीं है, गई फिर झंडी नहीं मिल रही। अब हमें मैंने कहा नीचे गिरी होगी। ओह इसकी लकड़ी गायब है, ऐसे कपड़ा लगा दो। अब भाई जी घर आ चुके हैं, नाश्ता कर रहे हैं। हमारे भाई जी जो सा कल सालन बनाया था उसके साथ नाश्ता कर रहे हैं, पराठा और सालन है, और यहाँ पानी की बोतलें पड़ी हुई हैं दो। ऐसे जी मैंने आपको बताया रेहान भाई के रोजाना की रूटीन, दो रसूड़े साथ में परोठा और साथ में ही चाय। ये कि 3-4 दिन के बाद आज मैं छत के ऊपर आई हूँ तो पौधों का क्या आश्चर्य कर दिया बच्चों ने। कभी इनको छाँव में रखते, धूप में रखते। ये देखिए गुल दोपहर की ये भी लड़ी तोड़ दी है इन्होंने। हाँ जी, तो इधर न्याज बो का जो कोम्पल है वो भी तोड़ दिया। ये देखिए, ये देखिए, पता नहीं किसे तोड़ी, मिलाल ने तोड़ी होगी। मैं मैंने तो नहीं तोड़ी, आप झूठ बोल रही हैं। मैंने कौन सा देखा है, ये हो जाएगी वैसे अगर इसको कोई चीज़ बांध दो ना, ये हो जाएगी। हाँ जी, ये देखिए लटक जाती है बार बार। तो इधर हमारी मिर्चें भी माशाल्लाह 3-3, 4-4 पत्ते निकाल लिए। ये देखिए, ये देखिए जी माशाल्लाह। इधर भी मैंने मिर्ची लगाई थी वो जो सूख गई है। हाँ जी, ये देखिए। तो अभी फूल नहीं लग रहे गुल दोपहरी को गर्मी की वजह से, इसलिए ये देखिए पीली पीली हो गई है। इसको भी कुछ हो गया, ये इसके पत्ते, इसको पता नहीं सूंडी लग गई है क्या हो गया इसको, इसके पत्ते ना पीले पीले हो गए हैं। हाँ जी, और ये एक फूल खिलेगा, पिंक फूल खिलेगा आज, और वाइट नहीं खिलेगा। वाइट अगले दिन खिला था, मेरी तबीयत खराब थी फिर मैंने वीडियो बनाई नहीं। इसको ना कोई बीमारी लगी है, ये देखिए इसका ना रंग काफ़ी चेंज हो गया है। हाँ जी, जब इसको सूंडी लगती है ना तो ये ऐसी पीली पीली हो जाती है, इसको सूंडी लग गई है। अच्छा मैं इसको कुछ चीज़ डालूंगी तो फिर ठीक हो जाएगी। ठीक है, इनको पानी देना है, मैंने पानी लेके मिला नीचे से, इनको पानी दे। ठीक है, मैं आप ही को कहती हूँ क्योंकि मैं तो नहीं ला सकती। वो छोट, ये देखिए हर तरफ सब्जा ही सब्जा है, वो चावल किसी ने उगाए हुए हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है, घास भी बहुत है उसमें और चावल हो गए। मम्मा प्लांट्स को पानी लगा रही है, ये ना मैं कूलर पखे से पानी मम्मा लेके आई हूँ। ये देखें जी मम्मा आप प्लेट धोने लगी है, क्योंकि प्लेट ना बीठे की हुई है जानवरों ने, तो मट्टी भी बहुत थी तो मैंने कहा ना भी आई थी ना रात, फिर मट्टी हो गई तो मैंने कहा इसको धो दी। हाँ जी मैं धो रही है।
हम भी धोते हैं, हमसे ऐसे नहीं धोते। धोते हैं बस पानी से ना, पानी गिरा के चले जाते हैं, ऊपर कपड़ा वगैरह नहीं फेरते। हाँ जी, ये मिट्टी जो है वो खत्म हो जाए। हाँ जी, चलो ठीक है। अब इसके सूखा कपड़ा लाऊं? नहीं नहीं, इसे सूख जाने दो। ठीक है। ये देखें जी, रेहान भाई ने कूलर पंखा पकड़ा हुआ है, और जी इधर ईंटे आएंगी थोड़ी सी। रेहान भाई बोल गए आ रही हूँ नीचे। जी यहाँ आ गई हमारी कुंवर गंदर बाजी। कुंवर गंदर बाजी क्या हाल है? ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई देखिए कुंवर गंदर। किचन में आ गई हूँ। किचन में देखे ऐसे बर्तन बिखरे पड़े हैं सारे। अभी नाश्ता किया बच्चों ने, पौधों को पानी दे के बच्चों नाश्ता करा करके ऐसे बर्तन रख दिए। तो अब मैं सारे बर्तन पहले इकट्ठे करूँगी, फिर इनको धोऊँगी, किचन की सफाई वगैरह करेंगे। देखे देखें जी, ये हमारा एक फूल खिल गया है, ये माशाल्लाह सुभानअल्लाह। ये देखें जी, हमारे प्लांट्स को धूप आ चुकी है थोड़ी थोड़ी, और जी मैं इनको थोड़ी सी ना छांव में कर दूंगी। ये देखिए जी, मैं छांव में कर दिया ये भी, और ये भी अब मैं थोड़ी सी छांव में करूंगी, क्योंकि इसको इसको भी जो सी होती है ना धूप आ चुकी है, इसका भी धूप आया है। पिछले वालों को नहीं आई, आगे वालों को आ गई है थोड़ी थोड़ी। मम्मा को जाकर बताऊँगी अब। मैं देखेंगे हमारा फ्लावर खिल गया, जो सा हमने आपको सुबह कहा था। ये देखें कितना प्यारा खिला है, मैं आपको तस्वीर बना कर दिखा। ये देखें जी, आप ही कपड़े धो रही है अपने, और जी मामा ने कहा मुझे भी कपड़े उतार दो, तो मुझे गंदे हो गए, स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ रही है पसीने की। हाँ जी, बहुत ज़्यादा आ रही है। आप भी अपने कपड़े धो गई अब। माशाल्लाह किचन की सफाई हमने कर ली है, बर्तन वगैरह भी धो लिए, सारा काम कर लिया, नीचे पोछे वगैरह भी लगा दिए, तो इधर भी सारा काम कर लिया, बाहर भी शेर में भी जाग दे लिए। तो अब हम दोपहर का खाना देखे क्या बनाएंगे, बच्चे आ गए ट्यूशन से, पूछती हूँ बच्चों से क्या पकाना है आज। आज ही हमने पकानी है कढ़ी, तो ये जिस कढ़ी के लिए मैंने सामान तैयार किया, प्याज है, सब्ज मिर्ची है, लहसुन है, और ये पकौड़ों के लिए है, आलू है, चिली है मेरे, ये पालक ली है। इतनी ये सारी चीज़ें ना 100 रुपए की आई है, इतने महंगे सब्जी वाले हो गए, इतने महंगे हो गए। क्या क्या 10 की पालक है, 20 की है, मैंने उस दिन 10 की ली है, इतनी किसी घर देख रहा था। ये पाव बेसन मंगवाया, क्योंकि इस दफा हम सौदे नहीं लेके, गुंजाइश नहीं थी सौदे लेने की, तो फिर सौदे नहीं लेके आए इस दफा, ये सिर्फ बेसन मंगवाया मैंने। एक को ये भी है 70 रुपए का, 70 रुपए का पाई है, 70-80-90, और 10 रुपए के आलू 100-10 रुपए। क्या खाए और क्या ना खाए, जो सा हमारे घर में स्थान पड़ा होता है हम चीजें लेते हैं, वही हम खाते हैं, वही हम पीते हैं। ये तस्वीर में डालो तब कुड़ा। ये देखें जी, ये आज हमने पकाने हैं, और साथ में ये पकाना है, तो अभी ये डालेंगे। और ये देखें जी, ये मैंने मेहंदी लगाई है, मम्मा ने कहा मेहंदी लगा लो अपने, मैंने मेहंदी लगाई है, कितनी अच्छी है। हाथ पड़ गहरे लाली, मुंह ऊपर सजले लाली। लहसुन और मिर्चे सबल मिर्चे में कूट रही हूँ, कड़ी ऊपर रख दी मैंने। क्या कर रही हैं आप? आपको नहीं नजर आ रहा? नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहा। क्या कर रही हैं बता देना। सालन बनाने लगी हूँ इसमें। हाँ जी। ये फिर गर्म तो होगी नहीं? हो जाएगी। कैसे? धूप पे रख देंगे गर्म हो जाएगी। धूप पे रखेंगे फिर गर्म होगी, मेरी आंखों में मेचे पड़ गई हैं। हाँ जी, धूप पे रखेंगे, मम्मा कह रही फिर गर्म होगी। कड़ी बनाने लगी हूँ, लहसुन और सब्ज़ी मिर्चे कूट रही, बिजली नहीं है, बिजली गर्मी बहुत है, इतनी हबस हो गई है किचन में, तो मैं दिल करता साफ आए तो किचन में चूल्हा ना बाहर रख दे, तो बहुत गर्मी है किचन में। पाइप और मैं रख देता हूँ। पाइप और होगा,
है गैस है अभी प्याज भून रही है इधर लस्सी में रखी है अभी बेसन वगैरह नहीं डाला ये देखें जी यहाँ पर आलू और पालक इसके बनाएंगे पकोड़े हाँ थोड़े से पकोड़े बचा लेना ठीक है लहसुन हमारा ब्राउन हो गया बच्चे भी ये मसूरों में नमक हल्दी डालेंगे एक चमची नमक कम एक चम्मच सूरख मिर्च की आधी चमची हल्दी और एक चमची नमक थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें इसकी फ्राई करेंगे जब घी छोड़ देगा तीन डेज में बेसन वाला लस्सी में मिक्स करके ये हम बेसन मिक्स किया इसमें लस्सी में ये डालेंगे ये हमने बेसन शामिल कर दिए हाथ मेरे गीले थे तो धनिया मेरे से ना वो मसल नहीं हो रहा था तो फिर ये तरीका मैंने इख्तियार किया है कि कागज़ पे डाल में डाल के रोई के साथ किसी को अच्छी तरह मसल लिए ये मान जाएगा धनिया सूखा धनिया ये जाएगी सूरख मिर्च और ये नमक बस अच्छी तरह मैं इसको हाथ के साथ ना मिक्स कर ली फिर ये पकौड़ों का मसाला तैयार हो गया अच्छी तरह मैंने इसको हाथ के साथ मैश कर लिया ये देखिए माशाल्लाह ये जी हमारे पकौड़े बन रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी कड़ी तैयार हो रही है